एक कारोबारी के घर से लाखों का माल चुराने वाले शातिर चोर को पुलिस ने उसके हाथ में बंधे धागे और पैर में चप्पल के आधार पर खोज निकाला। गिरफ्तार चोर का नाम अमोल महादेव राउत 52 वर्षीय प्लॉट नंबर 14 बोरकुटे लेआउट बुट्टीबोरी निवासी बताया जा रहा है। चोरी करते समय आरोपी ने पूरा प्रयास किया था कि उसका चेहरा घटनास्थल में परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद ना हो, इसलिए उसने कैमरे की दिशा बदली, लेकिन उसके हाथ में बंधा धागा और पैर की चप्पल कैमरे में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की खोजबीन शुरू की। 6 घंटे की कड़ी पूछताछ में आरोपी अमोल राउत ने चोरी करने की बात कबूल की। उसने पुलिस को बताया कि प्रताप नगर में कारोबारी वेंकट सूर्य नारायण राव आत्रेय पुरपू के घर से 13 जून को 23,56,000 का माल चुरा कर वह फरार हो गया था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पता चला कि उस पर विविध थानों में 23 से अधिक चोरी व अन्य मामले दर्ज हैं। न्यू फ्रेंड कॉलोनी मध्ये एका घरामध्ये घरफोडी झालेली होती आणि त्या घरफोडी मध्ये जवळपास 450 ग्राम सोन्याची जे दागिनी आहे, जे ज्वेलरी आहे, ते गेली होती। आणि जे आर पी नगर पोलिसांची टीम आहे, सीनियर इन्स्पेक्टर विद्या जाधव, ते त्यांच्या अधीनच त्या टीमनी 24 तासामध्ये ते आरोपीला सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये निष्पन्न केलेला होता आणि ते निष्पन्न करून त्यानंतर त्यांनी त्यांना अटक केलेला आहे आणि त्यांनी 100% रिकव्हरी पण केलेली आहे। आरोपीचं नाव आहे अमोल महादेव राऊत, जे बुट्टीबोरीचा राहणार आहे आणि ते हॅबिच्युअल चोर आहे आणि त्यांनी मागे पण काही घरफोडी आणि चोरी केलेली आहे। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।